मैं रोहन स्टडी पॉइंट में रोहन, आज हम बात करेंगे बिल के बारे में। इससे पहले हमने लॉ यानी कानून के बारे में पढ़ा था कि कानून होता क्या है, आज हम बात करेंगे बिल के बारे में। सिंपल सी बात बताऊं आपको, बिल जो है एक प्रोसेस है जो कानून बनने तक की रहती है। और बिल जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि बिल होता क्या है। देखिए, मान लीजिए एक है लोअर हाउस और एक है अपर हाउस, ठीक है। ये लोअर हाउस और अपर हाउस में जो चीज जो बिल है वो अगर यहां से और यहां से पास हो जाता है, ठीक है, तो वो या तो लॉ बन जाएगा या एक्ट बन जाएगा। अगर ये लॉ या एक्ट बन गया तो बिल फिनिश हो जाएगा, बिल का कोई काम नहीं, बिल खत्म हो जाएगा। क्योंकि बिल क्या थी, एक प्रोसेस थी बनने की, एक प्रक्रिया थी, ठीक है, तो उसे ही हम बिल कहते हैं। बिल से क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है या कोई एक्ट बन जाता है। ड्यूरेशन खत्म हो गई ना, बस यही है। अगर आगे बात करें, एग्जांपल समझाओ सर। एग्जांपल सिंपल सी बात है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया गया था 2023 के अंदर। उस बिल के हिसाब से नागरिकता देनी थी लोगों को, ठीक है, तो ये पास नहीं हुआ, तो ये क्या रह गया, एक बिल ही रह गया ना, तो इसे हम बिल कहेंगे। ओके, ये तो था बिल के बारे में। अब एक्ट क्या होता है वो भी मैं जल्दी उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हो, जानते डेफिनेशन के थ्रू क्या कह रही है डेफिनेशन। तो अ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन डेट इज अंडर कंसिडरेशन बाई लेजिस्लेचर एंड हैज नॉट बीन बिकम लॉ। जब तक वह कोई कानून नहीं बन सकता, क्योंकि तब तक उस पर क्या है, विचाराधीन किया जा रहा है कि उसे कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो दोनों हाउस डिसाइड करते हैं, और दोनों में अगर वो पास हो जाता है तभी वो एक बिल की फॉर्म में, सॉरी, बिल से वो लॉ की फॉर्म में आ जाता है ना, तो उसे कहते हैं बिल। अगर हम आगे बात करें कि लीगल स्टेटस इसे क्या दिया गया है कानून के रूप में, तो अगर हम बात करें, नॉट येट लीगली बाइंडिंग अनटिल इट इज पास्ड एंड एनएक्टेड इनटू लॉ। तो जब तक वह किसी प्रकार का कानून नहीं बन जाता है या कोई चीज पास नहीं हो जाती आगे, तब तक उसे किसी प्रकार का कानूनी स्टेटस नहीं दिया गया है। ओके, अगर हम बात करें इसकी कि इसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या रहती है, तो रिप्रेजेंटेटिव इनिशियल स्टेज ऑफ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन बॉडी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेचर। जो विधायिका होती है, विधायिका में शुरुआत के अंदर क्या होता है कि इसका जो यही काम होता है कि जो स्टार्टिंग में लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो क्या करता है, इसे रिप्रेजेंट करता है एज अ बिल, और बिल आगे जाके लॉ बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी रिप्रेजेंट करने का काम करता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है। अब एप्लीकेशन किस किस पर ये लागू होती है, तो ये किसी पर भी लागू नहीं होगी, मैंने पहले बताया था, जब तक वह चीज कोई कानून के रूप में नहीं बन जाती। तो लिखा है साफ साफ, एप्लीकेबल अंटिल इट इज पास्ड एंड एनएक्टेड इनटू लॉ, यानी कानून की शेप में या रूप में नहीं आ जाती तब तक चीज वो लागू नहीं हो सकती। ओके, अगर हम आगे बात करें, ऑथोरिटी कौन लेगा, तो इसकी ऑथोरिटी है संविधानिक तौर पर ही करना बिल्कुल सही है, और लेजिस्लेटिव बॉडी के हिसाब से भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ड्यूरेशन क्या है, तो ये ड्यूरेशन टेम्पररी है। अब सर बोलोगे क्यों टेम्पररी है, मैंने आपको अभी समझाया कि बिल एक प्रोसेस है जो कुछ टाइम के लिए रहती है, और वो प्रोसेस जब लॉ की फॉर्म बदल जाएगी तो वो कहाँ बन जाएगी, वो क्या टेम्पररी रहेगी ना। अब टेम्पररी है, बिल से लॉ बन गया तो समझो उसके